नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग संविधान संशोधन के जितने भी MCQ क्वेश्चन है उसको हम लगाएंगे। क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग संविधान के संशोधन की कुछ प्रक्रिया है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद में संशोधन के निम्नलिखित प्रक्रिया वर्णन किया गया है, आइए उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रक्रिया एक में देखिए क्या बोल रहा है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के दो में से किसी एक सदन में यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं और राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, ना कि किसी राज्य विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद में आप पेश नहीं कर सकते हैं, इसे आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेश करना। आइए दूसरी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। संशोधन विधेयक को किसी मंत्री या किसी सांसद द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आइए तीसरे नंबर पर देखते हैं तीसरा प्रक्रिया क्या है। विधेयक को दोनों सदन में विशेष बहुमत मिलना चाहिए, दो तिहाई से पारित होना चाहिए या फिर 66% होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम अनिवार्य है। आइए अगले प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, दोनों सदन के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के संशोधन के संदर्भ में नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रक्रिया क्या है। संसद के दोनों सदन में पारित होने के बाद जहाँ आवश्यक हो राज्य विधान मंडलों यानी कि राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद की संस्तुति के बाद इस संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, आइए अगली प्रक्रिया देख लेते हैं। संशोधन विधेयक के मामले में भारत के राष्ट्रपति न तो वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, और न ही इसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति देना बाध्यकारी है, उस पर इनको स्वीकृति देना ही होगा। ये रहा संविधान के संशोधन की कुछ प्रक्रिया जो कि जानना बहुत जरूरी था। अब आइए हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे MCQ क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस कह रहा है भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी 9वें अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय संविधान के पहले संशोधन में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें कौन से अनुसूची जोड़ी गई थी, तो अनुसूची 9वीं थी। मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवा मुक्ति की आयु होती है यानी कि जो रिटायरमेंट का वर्ष होता है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 15वां संविधान संशोधन के द्वारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनका रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1951 में सबसे पहला संशोधन प्रक्रिया। चलिए मूव करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी भाग 20। ठीक है, भाग 20 जो है भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगर अनुच्छेद की बात करें यानी कि आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 368 है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी 7वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत के संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 10वें संविधान संशोधन द्वारा दादरा एवं नगर हवेली को भारत के केंद्र शासित रूप में सम्मिलित किया गया।
मूव करेंगे और देखेंगे आगे की तरफ। और एक बात बता दूं, अभी जो है भारत में टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन संविधान संशोधन से, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। आइए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी 12वां संविधान संशोधन द्वारा। नोट में देखेंगे गोवा को 12वां संविधान संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 56वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य का दर्जा दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य का दर्जा प्रदान, पहले इसे केंद्र शासित के रूप में रखा गया था, लेकिन 56वां संविधान संशोधन के बाद इसे एक राज्य घोषित कर दिया गया। चलिए मूव करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आइए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया। मूव करेंगे, देखेंगे आगे की तरफ। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं, नागालैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर के अंतर्गत आता है। सेवन सिस्टर कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट में टोटल सेवन स्टेट है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, पहला नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड, दूसरा आ जाएगा आपका मणिपुर, तीसरा स्टेट आ जाएगा असम, चौथा स्टेट आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, पांचवा स्टेट आएगा त्रिपुरा, छठवा स्टेट आएगा मिजोरम, सातवां स्टेट आएगा मेघालय। ये सातों के सातों जो है इसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है, सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये सेवन स्टेट है जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में आया जाता है, ठीक है, जिसमें से नागालैंड भी। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन। यहाँ पर नोट है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, चलिए उस पर हम लोग फोकस करते हैं। भारत के संविधान का 24वां संविधान संशोधन संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की क्षमता देता है। जब संविधान संशोधन विधेयक उसके सामने पेश किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए अपनी सहमति देना भी अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जितने भी रियासत और पूर्व शासक थे उसके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। 1976 का 44वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया है। आइए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया है। अब अनुच्छेद 297 जो है वो क्या है, यानी कि आर्टिकल 297 बोलता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, हर एक देश का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। कहने का मतलब है भारत का जितने भी वैल्यूएबल थिंग्स है, जैसे कि मिनरल्स ही बोल दीजिए, वो भारत के अंदर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो भारत के यूज में या फिर उसके पर्पस के लिए काम आएंगे और उसे अपने यूज में लिया जाएगा, ये अनुच्छेद 297 में वर्णित है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत में वर्ण किया गया है संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य में बदल दिया गया।
सादे राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया है। और ये देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे परिवर्तित कर दिया गया है। किसे परिवर्तित कर दिया गया है? संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया है, और राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है? इसे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन के अधिनियम में शामिल किया गया है। आइए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है? देख लेते हैं, संविधान संशोधन 42वां द्वारा, और इसे 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया है? वो देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। क्या किया गया था? 1978 में संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसी क्वेश्चन को जो है कुछ अलग तरीका से भी पूछता है एग्जामिनर। 1978 में संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था? ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया था। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति का यह शक्ति है कि वह किसी मामले में मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वो वापस भेज सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा यह सम्मिलित किया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा सम्मिलित किया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को गोवा को 56वें संविधान संशोधन के तहत एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, और उस समय गोवा जो है 25वां राज्य बनकर तैयार हो गया था भारत का। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस कीजिएगा, ये देख लेते हैं। 1988 में ऐसा किया गया था। ठीक है, 1988 में क्या किया गया, जो मतदान की आयु होती है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर
कर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के 60वें संशोधन में प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है? तो 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसमें व्यवसाय, व्यापार, रोजगार पर करों संबंधित संविधान के अनुच्छेद 276 में संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया है? ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मतदान के लिए जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चंस जो है कुछ इस तरह से भी घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पर अलग तरीके से भी ऐड कर दिया। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं, मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? देख लेते हैं। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं, मणिपुर, नेपाली और कोंकण को शामिल किया गया। आइए देख लेते हैं। वर्ष 1992 में 71वां संविधान अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को इसमें शामिल कर दिया गया। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो 70वां संविधान संशोधन द्वारा ये कार्य किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है? 73वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया है। देखिए ये भी क्वेश्चंस जो है कुछ पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन क्वेश्चंस को कुछ घुमाकर यहाँ पर पूछा गया है, तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं। चलिए मूव करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? ये देख लेते हैं। 1992 में 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ दिया? तो यह है 9 का ए। ठीक है, 9 के ए को 1992 में 74वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे 6 वर्ष से कितने वर्ष के बच्चे को अपने आश्रित जैसे भी मामले हो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसा अनिवार्य है कि वो उसे शिक्षा प्रदान करवाएंगे माता पिता का, चाहे जैसा भी कंडीशन हो। आइए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है उसे हम लोग देख लेते हैं। 46वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ये पारित हुआ था। भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। फैक्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है? यह अधिनियम अनुच्छेद 21 के ए में डाला गया था, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चे के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आप उसमें सीटों में जो भी बढ़ाव या घटाव है आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुच्छेद 51 के ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया? देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन।
भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ दिया है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 88वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, आइए देख लेते हैं। 79वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 91वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है। आइए नोट में देखते हैं, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 में जब पारित हुआ था, इसमें कहा गया मंत्रिपरिषद के कुल संख्या जो है वो लोकसभा के कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया था, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में ऐसा पारित किया गया। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्याय नियुक्त आयोग की स्थापना की गई, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 99वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी है, ऑप्शन नंबर ए, प्रणब मुखर्जी ने इसे स्वीकृति दी है। भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन जो कि 2015 में पारित हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को पुष्टि करती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था, तो 50% का उन्हें आरक्षण दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसे GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 101 संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, देख लेते हैं। पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग के सशक्त बनाना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है, आर्थिक आरक्षण से है। लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक 2019 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। चलिए 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कितने बार संशोधित किया गया था, तो एक बार संशोधित किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को कंप्लीट किया हुआ है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।